বিভিন্ন শৈলশৃঙ্গ। নারায়ণ স্বামীর আশ্রমের মাতাজি, দ্রৌপদী এবং ম্যানেজার প্রতাপ সিং রানা, আমরা তাদের সঙ্গে কথা বললাম। মাতাজি, এই আশ্রম কব প্রতিষ্ঠা হওয়া? 1936 মে, নারায়ণ স্বামী 1936 মে। उस टाइम ने स्वामी जी ने तो उम्र बहुत कम था, बहुत कम उम्र में एकदम यंग लड़का था, बिल्कुल मतलब ट्वेंटीज में थे, लेट ट्वेंटीज में। अकेला ही पूरा अरेंजमेंट किया था? नहीं, अब स्वामी हैं, उनके पास तो कुछ पैसा नहीं होता है, डोनेशन। हाँ, डोनेशन में ये सारा जो है गुजरात महाराष्ट्र के, बॉम्बे के और उधर मद्रास के सारे उनके भक्त थे, उनके द्वारा हुआ। ये पैसा पूरा फाइनेंस वहाँ वालों ने किया और यहाँ तो सिर्फ ये सोसा वालों ने, ये भूमि जो थी उनकी गौचर थी, तो ये पूरा एक पहाड़ी थी हिलॉक, उसको उन्होंने कहा कि हम आश्रम बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये डोनेशन में दिया। तो जायगा जायगा कौन चुना? ये जायगा ये नारायण अपने ही चुन रहे थे। तो वो अपने आप ही, वो कैला से लौट रहे थे। अच्छा, 1935 में कैला से लौट रहे थे, तो पूरा इस इलाके को उन्होंने देखा था, एक सर्वे कर लिया था, मतलब भिक्षा यापन के लिए गाँव में गए, तो उन्होंने देख लिया था। तो उनके हृदय में ये हुआ कि यहाँ बहुत गरीबी है, लोगों के पास रोजी रोटी नहीं है, अशिक्षित है, हर रूप से पिछड़े हुए हैं। हाँ, धर्म से भी और आर्थिक से, आर्थिक रूप से भी, और कुछ भी उनकी रोजी रोटी नहीं है। तो उनके हृदय में अब वो तो अपना ध्यान तो करेंगे ही, अपने आध्यात्मिक रूप से तो ऊँचे हुए, उन्होंने सोचा इसके साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक विकास के साथ साथ मैं इस क्षेत्र के लोगों को जो कि बहुत ही उपेक्षित है, बहुत दूर है, उन लोगों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करूँ, विकास, सर्वांगीण विकास करूँ, ये मन में भावना हुई। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ सोसा वालों के पास आए, रूमा देवी सन्यासिनी थी वो लेके आई, उन्होंने यहाँ कहा कि आश्रम बनाना चाहते हैं। उन सोसा वालों को जो वहाँ परिवार थे उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि ये कुछ करना चाहते हैं, उनके पास बहुत सी जमीन थी, तो सहयोग मिला उन लोगों से। हाँ बिल्कुल, उनके सहयोग के बिना तो कोई दूसरे गांव में कोई नहीं बना सकता, कहाँ के वो रहने वाले, कहाँ के यहाँ कहाँ बना सकता, और उसके पास तो कुछ, उनके पास तो कुछ नहीं, संत के पास क्या होता है। तो एक वो आए थे नारायण स्वामी, उनके साथ रामानंद स्वामी और रूमा देवी सन्यासिनी जो है वो लेके आई थी, वो माँ शारदा की शिष्या थी।